संजू सैमसन नाम का ये लड़का बीसीसीआई को इतना ज्यादा खटकता है, इतना ज्यादा नटखट बालक लगता है कि कोई भी इंपॉर्टेंट सीरीज होती है, कोई भी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होता है, उसके अंदर संजू सैमसन को एकदम ऐसे साइड कर देती है बीसीसीआई, जैसे भाई दूध में से मक्खी निकालते हैं ना, ऐसे एकदम से भाई साइड कर देती है बीसीसीआई संजू सैमसन को। और किसी भी बड़े टूर्नामेंट से पहले संजू सैमसन का सिलेक्शन नहीं होता, जबकि जो बड़ा टूर्नामेंट आ रहा होता है उसके ऑपोजिट टूर्नामेंट खिलाया जाता है संजू सैमसन को। अगर वनडे आ रहा है तो उनको T20s खिलाए जाएंगे, और अगर T20 कोई बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है तो उनको भाई वनडे खिलाए जाएंगे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया चयन हुआ यहाँ पर टीम का, चयन के अंदर एक चीज साफ थी, संजू सैमसन को इसके अंदर भी नाम नहीं था, ना वर्ल्ड कप के अंदर नाम था, ना एशिया कप के अंदर नाम था, ना पिछले साल होने वाले कोई बड़े टूर्नामेंट के अंदर नाम था संजू सैमसन को। और एक बार फिर से, और संजू सैमसन का ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज के अंदर भी नाम नहीं था। इसके बाद से भाई बहुत सारे सवाल उठे। संजू सैमसन ने खुद अपनी प्रक्रिया जाहिर की, बार बार अपने सोशल मीडिया के ऊपर चीजें डाली, जैसे उन्होंने जिस दिन सिलेक्शन हुआ था उसके अगले दिन उन्होंने एक इमोजी डाला था अपने सोशल मीडिया के ऊपर, और काफी ज्यादा रिएक्शन आए थे उसके ऊपर। और उसके बाद से तमाम बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं तो संजू सैमसन के ऊपर अपनी टिप्पणी जाहिर कर रहे हैं, चाहे वो इरफान पठान हो, चाहे वो अब हरभजन सिंह हो। इस बार हरभजन सिंह ने भाई संजू सैमसन के लिए अपना भाई कंसोलेशन दिया है, अपना कंडोलेंसेस दिया कि भाई मुझे बुरा लगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन 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 कुछ ना कुछ मजबूर थी बीसीसीआई, और अगर मैं भी सिलेक्टर होता तो मैं भी केएल राहुल को ही सिलेक्ट करता, तो मैं भी किसको सिलेक्ट करता, मैं ईशान किशन को सिलेक्ट करता। भाई ऐसा क्यों कहा है हरभजन सिंह ने, आइए जानते हैं। हरभजन सिंह ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, संजू सैमसन के बाहर होने से काफी बड़ी बहस छिड़ चुकी है, अगर आपका वनडे में 50-55 का औसत है और फिर भी आप टीम का हिस्सा नहीं है तो निश्चित रूप से ये अजीब है, लेकिन मुझे लगता है कि संजू इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि भारत के पास पहले से ही दो विकेट कीपर केएल राहुल और ईशान किशन हैं, दोनों विश्व कप टीमों का हिस्सा है। तो भाई ऐसा कहना है हरभजन सिंह का कि कुछ ना कुछ रीजन है बीसीसीआई ने कोच क्यों सिलेक्ट नहीं किया संजू सैमसन को, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी दो विकेट कीपर है, लेकिन जो दो विकेट कीपर है उनका क्या खेल संजू सैमसन से बेहतर है, ये सवाल उठता है कि आपने संजू सैमसन को उतने चांसेस दिए हैं जितने आपने अपने बाकी बचे हुए दो विकेट कीपर्स को दिए। तो ये कुछ सवाल है जो भाई हरभजन सिंह ने उठाए हैं बीसीसीआई के ऊपर, साथ साथ बोला कि आप एक टीम के अंदर तीन तीन विकेट कीपर नहीं रख सकते, जो चीज संजू सैमसन को थोड़ी समझनी होगी, आप डिसअपॉइंट भी होते हो, और अगर मैं भी सिलेक्टर होता तो मैं ईशान किशन को सिलेक्ट करता, केएल राहुल को सिलेक्ट करता, क्योंकि केएल राहुल आपको ज्यादा वर्सेटाइल है, 4-5 नंबर पर बल्लेबाजी करके देते हैं, और ईशान किशन ने जो आपके लिए पाकिस्तान के अगेंस्ट जो इनिंग्स खेली उसके बाद आप ईशान किशन को ड्रॉप नहीं कर सकते। संजू सैमसन को अपनी बारी का इंतजार करना होगा, अभी संजू सैमसन यंग है और जब वापसी करेंगे तो अच्छी खासी वापसी करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, ये उनका वादा है, ऐसा उनका मानना है। लेकिन भाई कितनी बात ये सच होगी ये देखने वाली बात होगी, या फिर बीसीसीआई इसी तरीके से इग्नोर करता रहेगा संजू सैमसन को और आने वाले बड़े टूर्नामेंट के अंदर संजू सैमसन को कभी मौका नहीं मिलेगा। 2015 में इस खिलाड़ी ने अपना डेब्यू किया था और डेब्यू के बाद से अब तक ये हाल है कि अभी तक भी संजू सैमसन ने 20 वनडे मुकाबले भी पूरे नहीं खेले। तो देखने वाली बात होगी भाई क्या होगा वर्ल्ड कप 2024 के अंदर, फिर आने वाले कोई भी बड़े टूर्नामेंट के अंदर क्या संजू सैमसन को मौका देगा बीसीसीआई, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर। फिलहाल इस वीडियो